Hi guys, this is Abhishek Jain. आज मैं Delhi School of Economics campus में हूँ, Delhi में. I'm starting a new series of videos जिसमें मैं colleges जाऊँगा and students से बात करूँगा about how their experiences are in the college and mostly जो specialization वो पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ाई कैसी होती है, उसमें कैसे roles आने वाले हैं. So that if you're confused कि कौन सा specialization आपको लेना चाहिए, क्या roles होता है, वो आपको इसमें पता पड़े. So I have with me Ayushi, she's from MBA Analytics Department and Analytics MBA has just started in Delhi School of Economics. It's the first year. अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा DSE का तो मैंने देखा होगा. नाउ शी हैज स्पेंट 10 months नाउ एंड उसकी इंटर्नशिप लग चुकी है. तो इनसे हम पूछेंगे बहुत सारे सवाल एनालिटिक्स के बारे में ओवरऑल एंड DSE एनालिटिक्स के बारे में भी. सो Ayushi, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग हियर. टेल अस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पेशलाइजेशन एंड हु शुड टेक इट. राइट, सो एनालिटिक्स इज जस्ट लाइक अनदर स्पेशलाइजेशन. The only difference over here is that you are, apart from the general MBA subjects that you are studying in a traditional MBA program, there is this add-on flavor of analytics, that is number crunching and deriving insights. Right. So you need more of a bent of mind, you know, interest. Interest is enough to mathematical, you can say, or yes, number yes, crunching. Yes. ठीक है, तो ऐसा है कि someone from a say a non-engineering background जिसने कभी ज़्यादा maths नहीं किया है या नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड जो टूल्स में ज़्यादा काम नहीं कर सकते, उनके लिए एनालिटिक्स कैसा है, कैन दे पॉप अप विद इट, उनको क्या डिफिकल्टी होती है प्लेसमेंट्स में? एब्सोल्युटली, एंड आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर दिस बिकॉज मैं खुद एक नॉन इंजीनियर एंड नॉन मैथ्स आई कम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड उसके बाद मैंने बैंकिंग में काम किया. सो एब्सोल्युटली जीरो मैथ्स एंड यू नो कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड, बट आई फाइंड माई सेल्फ एट पार विद द अदर स्टूडेंट्स बिकॉज ये ऐसी चीज़ें ये सबके लिए नहीं है, किसी ने भी पहले पाइथन पार भी इतना ज़्यादा नहीं किया है. So it's always nice and you can always pick up these skills as you go. So you said Python Power BI, तो ऐसे क्या क्या टूल्स हैं जो आप यू नो ब्रेड एंड बटर है जो आप अभी करते हो और इंटर्नशिप्स में करोगे? राइट, तो अपार्ट फ्रॉम जैसे नॉर्मल हमारे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें स्टैट्स है एक तो, और वो तो बाकी एम बी ए वाले भी पढ़ ही रहे हैं. उसके अलावा हमें कोडिंग होता है एंड वी ऑल्सो हैव विजुअलाइजेशन. तो कोडिंग में आर है, पाइथन है, वी ऑल्सो हैव SQL. उसके अलावा विजुअलाइजेशन में पार बी आई है, टैबलू है. सो दीज आर द टूल्स आर बी आर स्टार्टिंग. अंडरस्टैंड. My next question is that analytics अभी जो लोग कर रहे हैं मार्केट में बहुत perception है कि booming specialization है and it's growing, इसमें jobs हैं, बाकी specialization में jobs नहीं है. तो is this true and why is this happening कि tough market है but analytics के jobs आ रहे हैं? Okay, so like I was speaking to you before, somebody told us that you know you should not be afraid of AI taking your jobs, but you should be afraid of a person who knows how to use AI. You know, they can take your jobs. So we are those people and we are trying to be those people. You know, it's always nice to have these skills. And हमारे केस में it's, you know, हमें टैग है एक एनालिसिस का, बट यू नो पीपल इन दी अदर कोर्सेज दे कैन ऑल्सो पिक अप दीज स्किल्स बिकॉज अब ये एक दिस इज़ नॉट अ चॉइस, दिस इज़ अ मैंडेट. यू हैव टू नो दीज स्किल्स इफ यू वॉन्ट टू सर्वाइव इन द मार्केट. सो इट्स नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी, नॉट जस्ट अस. एंड बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस जॉब ज़्यादा आ रहे हैं. राइट राइट, ठीक है. Now, could you tell me how is analytics? You did say that this is a lot of number crunching and deriving insights. Right. But अगर हम मान लीजिए ability, मतलब academic ability की बात करें, backgrounds की बात करें या फिर overall personalities की बात करें, तो कैसे लोगों को से analytics लेना चाहिए? For example, marketing उन लोगों को लेना चाहिए जिनको targets पसंद है, घूमना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है. ऐसे कुछ features आप बता पाओ analytics के बारे में. Right. सो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन, जैसे जिसका कोई बहुत वाइब्रेंट पर्सनैलिटी एंड यू नो यू कांट सर्वाइव विदाउट पीपल, वैसा नहीं है. यू नो यू हैव टू सिट अलोन, यस यू हैव टू सिट अलोन विद योर यू नो कंप्यूटर और लैपटॉप. देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ यू नो ऑप्शंस फॉर डूइंग रिमोट जॉब्स, तो वो घूमने वाला ऑप्शन इसमें भी है. प्रोजेक्ट प्रोवाइड और आप राइट राइट रिमोट जॉब के साथ घूम सकते हैं, कर सकते हैं, बट इट्स मोस्टली एक्सेल और पावर बीआई और राइट राइट. ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट डीएससी पर से. इट्स अ न्यू कोर्स, एक साल हुआ है कोर्स को. जब आप आए थे तो थोड़े अप्रिहेंशंस होंगे, आपने 10 महीने बिता दिया है, क्या कोई फीलिंग आ रहा है कि नया कोर्स है? सेकेंडली टफ मार्केट है, आई एम श्योर सब कॉलेजेस में जॉब्स कम आ रहे हैं, सैलरीज भी कम हुई है, नॉट मेनी कॉलेज आर ओपन अबाउट इट. क्या एनालिटिक्स में क्योंकि नया डिपार्टमेंट है कुछ फ़र्क पड़ा है या सेम एज अदर डिपार्टमेंट्स? ओके, तो मार्केट ट्रेंड का तो इतना फ़र्क हमें नहीं पड़ा है. द ओनली डिफिकल्टी दैट वी फेस्ड वाज कि एमबीए कॉलेजेस दे रन थ्रू एलुमनाई नेटवर्क्स. हमारे पास पर से डीएससी का या डिपार्टमेंट का तो नेटवर्क है, बट हमारा कोर्स क्योंकि वी आर द पायनियर्स तो इतना नहीं था. बट अलॉन्ग दीज 10 months, अलॉन्ग द कोर्स ऑफ 10 months, वी वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस सब्जेक्ट. एंड ऑल दो हमारा कोर्स नया है, बट ये फील्ड बहुत पुराना है एनालिटिक्स. यू नो देयर आर एनालिटिक्स, कॉलेज इज ऑल्सो पुराना, फील्ड इज ऑल्सो पुराना, राइट?
तो हमारे यहाँ के बाकी कोर्सेज के भी लोग इंडस्ट्री में बहुत यू नो दे आर यू नो अर्निंग वेल एंड डूइंग वेल. सो वी हैव बीन रीचिंग आउट टू दोज पीपल एंड नाउ वी आर कॉन्फिडेंट कि ऐसा कुछ नया कोर्स नहीं है. वी फील वन विद द अदर कोर्सेज वेल. यू हैव गॉन थ्रू सम इंटर्नशिप इंटरव्यूज. टेल मी अबाउट व्हाट डू एनालिटिक्स कंपनीज और योर कंपनी चेक इन द इंटरव्यू और इन द सीवी शॉर्टलिस्टिंग एंड व्हाट इज योर रोल. ओके सो रिक्वायरमेंट तो रहती है यू नो सॉफ्टवेयर का नॉलेज इज ऑलवेज गुड टू हैव एंड यू नो यू शुड नो दो सॉफ्टवेयर एंड हमारे यहाँ पे हमारे कुछ सेल्स हैं दे मेक श्योर अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर यू नो कोर्स करिकुलम मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर कवर किए जाते हैं बट वी ऑल्सो हैव अ कमिटी विच टेक्स केयर कि हम एडिशनली अपार्ट फ्रॉम दोज कोर्सेज दैट आर टॉट इन कॉलेज वी ऑल्सो टेक अप सम एडिशनल कोर्सेज थ्रू दीज वेबसाइट्स कोर्सेरा यूडेमी एंड ऑल. तो हमें वो कोर्सेज इसलिए करवाए जाते हैं ताकि दैट इज़ द बेस मिनिमम. ठीक है उसके बिना नहीं चलेगा. सो दैट इज़ व्हाट वी डू. आपने पूछा कि SIP में क्या देखते हैं शॉर्टलिस्टिंग के टाइम पे. शॉर्टलिस्टिंग इस बेसिस पे हो गई एंड कमिंग टू द एक्चुअल इंटरव्यू प्रोसेस उसमें SIP में दे डोंट फोकस मच ऑन योर हार्ड स्किल्स. दे फोकस ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स कि आप में लर्निंग एजिलिटी है भी कि नहीं. यू नो यू कैन यू अडेप्ट टू दिस चेंजिंग एनवायरमेंट and how are your social skills. So all of this is checked apart from the basic hard skills. Could you also tell me about the DSE life in particular? Abhi aapko kaisa lag raha hai? Is it different from say other residential B schools? How are you feeling after now 10 months? Right. So ek wo difference to rehta hai ki it's not the same ki aap pura time saath mein nahi rehte ho. You know jab aapki classes hogi to aap chale jate ho. So it's different. बट इट्स ऑल्सो नाइस. इट्स मोर फ्लेक्सिबल. उतना हार्ड भी नहीं है ना वहाँ पे कि आपको 12 बजे बुला रहे हैं. हेक्टिक कम है. राइट. टेल मी नाउ अबाउट द डिफरेंट रोल्स दैट यू गॉट इन समर इंटर्नशिप और क्या क्या रोल्स है इसमें आगे इंडस्ट्री में. ओके सिंस आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट रिलेशंस टीम ओवर हियर तो हमने एक कॉन्शियस एफर्ट किया था कि हम एनालिटिक्स के ही रोल्स लाएंगे. तो मार्केट में वैसे सेल्स के मार्केटिंग के रोल्स अवेलेबल हैं बट वी ब्रॉट ऑल दोज रोल्स बट जो कि एक एनालिटिकल साइड के लिए ट्वीक्ड हैं हमने वो वाले रोल्स लिए. सो मेजरली हमारे पास बिजनेस एनालिसिस फाइनेंशियल एनालिसिस मार्केटिंग एनालिसिस एक हमारे पास CMO ऑफिस का भी रोल आया. उसमें यू हैव टू यू नो जनरेट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड एंड टू नंबर क्रंचिंग फॉर द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ अ रेनाउंड कंपनी. तो इस टाइप के रोल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके कुड यू टेल मी अबाउट व्हाट सैलरी यू आर एक्सपेक्टिंग आफ्टर दिस प्रोग्राम. What salary normal analytics graduates from colleges like DSE, say GIM, can expect after passing, after 5 years, after 10 years, if you have an idea. Right. So हम at par ही expect कर रहे हैं because otherwise तो हमारा course चाहे नया है तो DSE का tag. What is the salary? Yeah, salary ballpark is somewhere around 12 to 15 you can expect. Yeah. What do you expect to grow after 5 years? Generally double हो जाती है. And what is the so आप same level पे grow करते हो VP analytics there is no barrier. Right. Like लोग बोलते हैं HR बैरियर है जो कि नहीं होता. एनालिटिक्स में नो बैरियर टू ग्रो. देयर इज नो बैरियर. आल्सो वी नॉट वेरी हार्ड ग्लूड टू द टॉपिक ऑफ एनालिटिक्स. राइट. इट इज जस्ट अनदर एनेबलर यू कैन से फॉर बिजनेसेस. यू कैन ऑलवेज ट्रांजिशन. सो ठीक है इफ समवन इज फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ज्यादा आईडिया नहीं है उसको एनालिटिक्स क्यों लेना चाहिए अगर आप बता सको. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या कॉमर्स भी हो व्हाई शुड समवन हु हैज नो आईडिया अबाउट एनालिटिक्स शुड चूज एनालिटिक्स. ओके सो आई कैन वाउच फॉर दिस माईसेल्फ अगेन बिकॉज ये एक ग्रोइंग फील्ड है. ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो इट्स अ बेसिक नेसेसिटी दीज डेज टू लर्न एनालिटिक्स. जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी अगर कोई HR में भी है मार्केटिंग में भी है उसको भी एनालिसिस सीखना है आना चाहिए. हमें यहाँ पे कोर्स में ही सिखा रहे हैं. सो इट्स नाइसर इफ़ यू लर्न इट ऑन कैंपस. परफेक्ट. सो इन शॉर्ट देयर आर डिफरेंट जॉब्स इन HR ऑल्सो जिसमें HR एनालिटिक्स आपको मिल जाता है. मार्केटिंग करो तो भी मार्केटिंग एनालिटिक्स मिल सकता है. उसको अलग से कर दिया गया क्योंकि एनालिटिक्स में ही अब HR मार्केटिंग फाइनेंस सबके रोल्स आ रहे हैं बिकॉज अ ग्रोइंग फील्ड. Thank you so much for the lovely answer, Ayushi. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you.